सो गाइस आज हम बात करने वाले टॉप 5 बेस लोकेशन जिसमें भाई आपको आर्क मोबाइल के अंदर कभी ना कभी तो बेस बनाना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन से भाई जो आर्क मोबाइल की टॉप 5 में से जरूर से आती है। ओके एंड आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, और इसका पार्ट 2 कब आने वाला है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि इस वीडियो पे कैसा रिस्पांस आता है उसके ऊपर से मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। लेकिन देखो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 ऐसी लोकेशंस। अभी वो देखो ना ही वो पीवीपी के लिए ना ही पीवीई के लिए, लगता है ये पागल हो गया ऐसा आप सोच रहे होंगे। देखो ये पूरा मिक्स है, मतलब एकदम पीवीपी के लिए भी है लोकेशन से और पीवीई के लिए भी, ठीक है। तो ये और सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो यार मेरी बेस की लोकेशन अभी मैं कौन सी फिलहाल के लिए मैं कहाँ पे हूँ, तो देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कौन सी लोकेशन पे हूँ। अभी मैं फिलहाल के लिए एकदम राइट साइड में, मतलब एकदम कॉर्नर में, मतलब वो अभी मैप के राइट, मतलब नहीं लेफ्ट साइड, सॉरी मैं भूल गया, लेफ्ट साइड एकदम से मैं कोपचे में यहाँ पे रहता हूँ। और ये इसलिए मैं पता है ये लोकेशन मैंने इतने चूज किए क्योंकि देखो सामने जो आप एरिया दिख रहा होगा वहाँ पे मैं एक ब्रीडिंग पेन है जहाँ पे आप आराम से अपना ब्रीडिंग पेन बना सकते हो, एंड इस चोटी के ऊपर आपने अपना छोटा सा प्यारा सा बेस बना सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यारा बेस आप बना सकते हो। यहाँ पे बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, दोनों में से आपको कोई भी बना सकते हो आप बेस। तो चलो अभी फटाफट से क्या करते हैं, अब लाइट लॉट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्या है इस लाइट लॉट है इस जगह का। तो सबसे पहले भाई गिफ्ट क्लेम कर लेते हैं, अपना जो ये गिफ्ट आ रखा है कितनी देर से उसको क्लेम कर लेते हैं, देखते हैं भाई उसमें से क्या मिलने वाला है। अपने कोई गेस कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर से गेस कर लेना। ओके एनर्जी ब्रू अपने को मिले जो कि एकदम बेकार चीज है, कभी काम नहीं आती, एंड स्पॉइल मीट को फेंक दो, कब का फेंक दिया वैसे मैंने। एंड चलो एंड अभी हम क्या करने वाले, हमारी जो है टॉप 5 मतलब 5th वाली लोकेशन पे जाने वाला है जो कि 5वें नंबर पे आती है। तो चलो वहाँ पे चलते एंड मिलते हैं आपको वहीं पे, और डायरेक्टली वो बताते कौन सी लोकेशन है वो। सो गाइस अपनी 5th लोकेशन है वो है स्टोन वैली। देखो ये इस लोकेशन को मैंने क्यों सिलेक्ट किया मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो भी बंदा न्यू है, देखो आपने नया आर्क मोबाइल को शुरू किया या फिर आर्क पीसी की भी सीरीज शुरू की है, तो देखो आप यहाँ पे आप आराम से अपना बेस बना सकते हो, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा शांत जगह आर्क मोबाइल में अब तक सबसे यही है, मतलब इतनी भी ज़्यादा शांत नहीं है लेकिन सबसे चांद जगह में से यही आती है। और ये भाई ये हाँ, और ये देखो आप यहाँ पे अपना बेस बना सकते हो या फिर अपने डायनोज यहाँ पे रख सकते हो, या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब जगह है, ओपन थोड़ी जगह है। एंड पहली चीज़ यहाँ पे आपको पत्थर की कमी नहीं होने वाली, मतलब आप स्टोन एज से पूरा पूरा पत्थर वाली व्हाट एक सेकंड स्टोन एज से पत्थर वाली एज क्या बोला तूने कुछ समझा नहीं, लेकिन देखो आप आराम से अपना घर का रेनोवेशन पूरा कर सकते हो पत्थरों वाला, मतलब कोई जरूरत ही नहीं। और इसके लाइट लॉट आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, मतलब क्या लाइट लॉट है भाई मुझे भी देता हूँ देखने दो मेरे को, कुछ करिएगा आप देख लेना यार आपको दिख ही रहे होंगे। तो मतलब बात ये निकल के आती है कि जो भी नए बंदे हो यहाँ पे बेस बना सकते हैं, बहुत इजी है और बहुत ही सेफ प्लेस है ये, तो आप यहाँ पे बेस आराम से बना सकते हो। इसके देखो यहाँ ये रहा, एंड यहाँ पे बहुत सारे और भी जगह से आप बेस अपग्रेड कर सकते हो, जैसे कि सामने की साइड हो गया, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सामने की साइड तो हो ही गया, यहाँ पे देखो एकदम अपना हंटर की भी बहुत ही मतलब ज़्यादा पास में हो रखी है, और मतलब यहाँ से सामने की साइड, और यहाँ पे जो है बहुत सारे अपने को ट्रेजर मिल जाते हैं, ट्रेजर मतलब बोले तो एक्सप्लोरर मिल जाते हैं। एंड देखो आप यहाँ पे एक बेस बना सकते हो जो मतलब हाई वाला हो गया, टेक वाले हो गए, या फिर आपको ज़्यादा ही मेटल वाले बनाने हैं तो इसके ऊपर पिलर टाइप लगा के आप बना सकते हो। फिर आपको यहाँ पे ब्रिज कनेक्ट करने पड़ेंगे, वो मुझे नहीं आता लेकिन आप देख लेना कैसे बनाने का है। तो ये थोड़ा हाई चला गया, मतलब ये स्टार्टिंग के लिए नहीं है, ये जो है वो 100 लेवल पार वाले बंदे से काम है, ये उनका काम है भाई ये बनाना, लेकिन यहाँ पे आप आराम से बना सकते हो, मतलब पीवीपी के लिए भी है ये और पीवीई के लिए भी है। पीवीपी कैसे करना है आपको आपको पता मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पीवीपी खेल नहीं रहा हूँ। चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट बेस लोकेशन के ऊपर एंड देखते हैं कि कौन सी होने वाली है वो। सो गाइस ये लोकेशन तो आपको पता ही होगी यार, यहाँ पे अपना मिथिक एक्स भाई का घर है, और यार ये बहुत ही प्यारी लोकेशन है। तो आप ये लोकेशन आपको सबसे मिल जाएगी सबसे लेफ्ट वाले साइड में, और ये लोकेशन की सबसे खास बात ये है कि भाई यहाँ पे एक प्यारा सा पॉन्ड है, और पॉन्ड के अलावा बाकी सारी बातें मतलब यहाँ पे एक पूरा ओपन स्पेस है जहाँ पे अपने आप डायनोज बहुत ज़्यादा भर भर के डायनोज रख सकते हो, मतलब यहाँ पे आप टोटली पीवीई कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ा बेस बना के यहाँ पे सब कुछ करके मतलब एकदम ब्रीडिंग डायनो को ब्रीडिंग झक्कास तरीके से कर सकते हो, जैसे मिथिक्स ने किया था वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे अपना बेस होगा, वहाँ पे सामने अपना कुछ स्टफ्स का सामान होगा, सेक्शन होगा जहाँ पे आप देख लेना आप यार, और यहाँ पे बहुत सारी जगह है, और यहाँ से सारा चीज़ पास में मतलब रेडवुड हो गया, स्नो बायोम हो गया, सारा चीज़ें पास में, तो यार काफ़ी ज़्यादा सही हो मतलब ये लोकेशन है। एंड बाय द वे इस जगह को आप पीवीपी भी कर सकते हो, मतलब करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बस आपको उसी बैटलमैन लगा देने के चारों साइड से बैटलमैन पर लगा दोगे तो भाई ये बन जाएगा पूरा पीवीपी का बेस। आप यहाँ पे टर्रेट फिट कर सकते हो, यहाँ पे अपना हिडन बेस बना सकते हो। तो गाइस आपको पता होगा ये इसकी लोकेशन, ये देखो ये रही इसकी लोकेशन पूरा लेफ्ट साइड में मतलब होगा समझ लो वेस्ट जोन में, आई थिंक ये बेस यहाँ पे है, और ये बेस मतलब ज़्यादा दूर नहीं है वैसे स्पॉन लोकेशन, आप यहाँ पे स्पॉन भी ले सकते हो, एंड कभी कभी आप स्नो वैम में भी स्पॉन ले सकते हो, वो भाई आप आर्क के ऊपर डिपेंड है भाई।
तो उसका मुझे मत पूछना। तो गाइस कैसे लगी आपको ये लोकेशन, तो आप प्लीज़ बताना यार आप किन किन लोगों ने यहाँ पे बेस बनाया है, और भाई साहब कोई कोई बनाने वाले तो कमेंट में ज़रूर से बता देना। एंड फिलहाल के लिए बस ये लोकेशन यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, वो कौन से होने वाली है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ पॉसिबल है। सो गाइज अपनी नेक्स्ट लोकेशन का नाम है हर्बीवोर आइलैंड। अभी देखो यार हर्बीवोर आइलैंड जो है एकदम राइट साइड में एकदम कोपची में आता है, मतलब राइट लेफ्ट जो आप बोलो राइट एकदम कोपची में जो है आइलैंड है उसको बोलते हैं हर्बीवोर आइलैंड। अभी इसको हर्बीवोर आइलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्निवोर डायनो स्पॉन नहीं लेता, जैसे कि भाई सबसे छोटा कार्निवोर डायनो समझ लो यार मतलब कॉम्पी है या फिर डिलोफो है, कॉम्पी मुझे नहीं पता नहीं लेकिन डिलोफो है, तो डिलोफो भी यहाँ पे स्पॉन नहीं लेता, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन भाई स्टार्टिंग में आप यहाँ पे आप स्पॉन नहीं ले सकते, तो ये आपको बता दूँ। एंड ये जगह क्यों बेस्ट है पीवीपी के लिए भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे देखो एकदम सा ओपन सा एरिया, यहाँ पे आप बहुत बड़ा बेस बना सकते हो अपने लिए एंड पूरा डिफेंस कर सकते हो यहाँ से, मतलब बस थोड़ा सा दिक्कत है रिसोर्स की दिक्कत पड़ जाएगी, लेकिन आपको वैसे आपको यहाँ पे मेटल मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि भाई सारी चीज़ें यहाँ से दूर है, मतलब जैसे कि हो गया स्नो वे वैसे बहुत दूर हो गया, ऑब्लिक्स बोलो तो वो थोड़ा सा दूर हो गया, ग्रीन ऑब्लिक भले ही थोड़ा पास में है लेकिन भाई वो भी दूर हो जाता है वैसे। एंड यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों की कोई कमी पड़ने नहीं वाली, मतलब हाइट वाइड की हाई यहाँ पे इतने सारे डायनो स्पॉन ऑलरेडी हो चुके होंगे, आपको हाइट की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। एंड यहाँ पे आप हर्बीवोर डायनो कोई भी टेम कर सकते हो, जैसे कि ब्रोंटो हो गया, थेरिजिनो यहाँ पे नहीं होता, ट्राइक हो गया, स्टेगो हो गया, ऐसे पेट्रा हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे टेम कर सकते हो, एकदम फुल टूथ मजा कर सकते हो। एंड ये पीवीई के लिए भी है, और यहाँ पे आप अपने वाटर डायनोज रख सकते हो, मतलब ये पानी आपको दिख रहा होगा ये पोन सा बना हुआ है, यहाँ पे अपने वाटर डायनोज आराम से रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड भाई साहब ये बेस टोटली पीवीई के लिए भी है और पीवीपी के लिए, दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। वैसे आपको दिखा दूँ यहाँ पे अंडर वाटर बहुत सारी जगह है, मतलब आराम से कोई मतलब इजी आप 200 रख सकते हो, या फिर प्लीसियो हुआ, बैसिल हुआ, जो मौसा हुआ, जो आराम से आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। एनी सब आप बेस को पूरा कवर भी कर सकते हो बैटलमैन से, तो आपकी मर्जी भी। ओ भाई पहला सर भाई ये 25 कुछ ज़्यादा लो लेवल का नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब चलो भाई तेरे को ग्रिफिन से प्यार कैसे हो गया भाई, गलत भाई इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। तो गाइस बताओ कि ये अपने ये बेस आपको कैसा लगा, एंड दूसरे कोई बेस आपको सजेस्ट करना तो वो भी आप कर सकते हो, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 में उसको हम कवर कर लेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं नेक्स्ट बेस लोकेशन के ऊपर और देखते हैं। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा हो गया है मेरा ग्रिफिन, पता नहीं कहाँ ओ भाई ओ सर जी तू मतलब यार ग्रिफिन भाई तू मार क्यों नहीं रहा इन दोनों को भाई, मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। अच्छा पैसिव पे तू पहले बोलने का ना भाई साहब, तू पैसिव पे यार मतलब ओ न्यूट्रल किया तो अरे भाई भाई रुक जा ये भाई तू चला जा, मतलब भाई यहाँ पे आता है भाई, एक सेकंड ग्रिफिन कहाँ गया भाई, अरे भाई यार एक तो पहले ही टैक्सू डैमेज यार, एक तो तुम लोग फाड़ने पे तुले हो यार, ग्रिफिन कहाँ गया मेरा, एक सेकंड हेलो अभी तो यही था एक अरे भाई ग्रिफिन भाई मतलब यार कहाँ चल गया भाई। देखो यार इस हाँ तो बात आता अपने मेन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं अपन। सो गाइस इस लोकेशन का नाम है हिडन लेक, अभी ये यहाँ पे आता है एंड लैटर आपको दिख रहे होंगे, मैप पे भी आपको मेरी लोकेशन दिख रही होंगी। तो यार इसका ना इस बेस का नाम है, बेस नहीं वैसे लोकेशन का नाम है हिडन लेक। अभी इसको हिडन लेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा लेक है, पॉन्ड है, यहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएंगी, फैसिलिटीज़ पूरी मिल जाएंगी आपको सारी की सारी जो भी ये प्रोवाइड कर दी जाएगी आर्कलों की तरफ से। एंड यहाँ पे जो है आपको वुड की कमी नहीं होने वाली है, सीमेंटिंग पेस की भी कमी नहीं वाली है, रे मशरूम हो गया। एंड यहाँ पे आपको थोड़े से रिसोर्स मतलब रिसोर्स के टाइम नाम पर थोड़े से वुड मिल जाएंगे और बाकी सारा चीज़ें मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको 2 एक्सप्लोर नोट भी मिल जाएंगे, वो आपको ढूंढने पड़ जाएंगे सामने की साइड है कि राइट साइड में मुझे नहीं पता। एंड देखो यहाँ पे पूरा मतलब एरिया आप कवर कर सकते हो डोर लगा के, एंड उसके बाद यहाँ पे कोई भी एंटर नहीं कर सकता, बस आप टरेट लगा लो तो ये पूरा बन जाएगा पीवीपी का पूरा बेस। एंड यहाँ पे आप आराम से बूम बाम कर सकते हो, एंड ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है यहाँ पे हिडन लेक, मतलब हिडन तो नहीं है बस ये लेक है अपना इतना मुझे पता है, लेकिन ये बहुत प्यारा है, लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है, इस पे भी हम कभी ना कभी बेस बनाएंगे कभी ना कभी। एंड मतलब पीवीई को देख के बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ओपन स्पेस मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप अपने सारे डायनोस को एकदम आराम से रख सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे कैस्ट्रॉइड भी है, मतलब कैस्ट्रॉइड भी आराम से गलत आ गया मेरे को लगा वो बीवर डैम है, ओके तो ये रहा बीवर डैम, इनके बीवर डैम आप लूट के आराम से रिसोर्स को चिल मार सकते हो एंड बस आपके पीछे ना पड़ जाए। और यहाँ पे कुछ नहीं और मतलब पूरा ओपन एरिया, और यहाँ पे अपने वाटर डैम्स भी थोड़े बहुत रख सकते हो, जैसे कि मौसा हो गया, बैसिल हो गया, सब रख सकते हो आप 200 आई थिंक सो रख सकते हो भाई, ट्राई मत करना क्योंकि मर जाएगा तो आपको वापस से मल्टीप्ले में दिक्कत आ जाएगी। और आई नो मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी में बात कर रहा हूँ, तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट बेस लोकेशन के बारे में, देखते हैं क्या है उसमें। एंड गाइस मेरे फाइनल लोकेशन है वो है लावा माउंटेन, ये टॉप 1 पे मैंने क्यों रखी, क्योंकि भाई इसकी पहली प्रायोरिटी है कि भाई ये एकदम
टॉप हाइट पे एकदम बसा पड़ा है, और यहाँ पे जो है मतलब कोई भी आने की भाई 10 बार सोचेगा पहले कि भाई मैं यहाँ पे आऊँ तो आऊँ कैसे। देखो यहाँ पे इसकी पहली प्रायोरिटी ये कि भाई एकदम ऊपर है और भाई एकदम सेफ है, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता। और भाई इसका जो पीवीपी है मतलब इसमें आप अगर पीवीपी यूज़ कर सकते हो इसमें बेस का जो भी टैक्टिक्स आपको लगाना है वो, तो भाई ये बेस लोकेशन एकदम कड़क है, आप आराम से बना सकते हो। सोलो में थोड़ा मुश्किल है डायनोस को टेलीपोर्ट मारना, बस वो तो दिक्कत है। मल्टीप्लेयर में उसमें ज़्यादा मुश्किल है कि डायनोस कैसे लेके आए विदाउट एडमिन पावर, ठीक है। एडमिन पावर हुआ तो भाई टेलीपोर्ट मार सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। एंड वैसे तो भाई यहाँ पे आपको मेटल की कोई भी कमी नहीं होने वाली, ना ही आपको क्रिस्टल की कोई कमी होने वाली, ना ही ऑब्सीडियन की, ना ही पत्थर की, बस थोड़ी वुड की कमी होने वाली है, वुड थैच फाइबर हो गया बस आपके, और कुछ चीज़ की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे आपको सारा रिसोर्स मिल जाएगा टोटली। ऑयल को छो वो सारे बाद अलग हो गया। एंड यहाँ पे आप थोड़ा बहुत छोटा छोटा मोटा डायनोस के ब्रीडिंग भी कर सकते हो, बड़े भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आपको रास्ता मिल जाएगा ऊपर आने तक का, लेकिन रास्ता कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि रास्ता थोड़ा सा क्लियर कर दे, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है ना, अगर आप ढूंढते ढूंढते पागल हो जाओगे, लेकिन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो चलो गाइस ये था अपना पहला बेस। अभी देखो मुझे पता है बहुत सारे बेस अभी तक बाकी है, मतलब बहुत सारी ऐसी भी जगह जहाँ पे बेस बनाए जा सकते हैं, और भाई सब ओपीपी बेस है अभी भी, लेकिन वो किसी और वीडियो के टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। अगर आपके पास कोई लोकेशन है और किसी बेसिस की, तो भाई और कोई बेसिस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से पिक कर दूंगा। एंड भाई सब आप पे देखेंगे कि कौन सा बेस सूटेबल हो सकता है मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से। तो गाइज चलो ये हो गया अपना लावा माउंटेन का पूरा रिव्यू कंप्लीट, अनबॉक्सिंग भी हो चुकी है। वैसे अनबॉक्सिंग से ज़्यादा मेरे पीसी का वीडियो आना बाकी है, वो जल्दी से आ जाएगा, कोई दिक्कत की आप चिल मारो, एकदम टेंशन ना लो, वो ज़रूर से आ जाएगा। लेकिन भाई गिरूंगा तो मर जाऊंगा क्या? नहीं भाई, ट्राई करना ही नहीं, मुझे रिस्क लेना ही नहीं मुझको। चलो फिलहाल के लिए गाइज चलते हैं अपने बेस पे। एंड कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आज का ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो यार कमेंट सेक्शन भर देना, एंड लाइक भी कर देना। एम रखते गाइस 300 लाइक्स, फटाफट 300 लाइक्स तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए, तो इतना तो कर देना प्लीज़। एंड चलो गाइस अभी अपना टाइम हो चुका जाने का, वैसे मुझे जाना है कॉलेज में, बहुत ज़्यादा मैं जल्दी जल्दी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मुझे पता है बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रही है और सारा चीज़ें मुझे देखनी है, तो यार वो थोड़ा दिक्कत हो रही है मेरे को, तो उसके लिए भाई थोड़ा सा माफ़ कर देना। एंड चलो इसका पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, एंड सीरीज़ भी कंटिन्यू जल्दी से हो जाएगी। मैं ट्राई बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहा हूँ कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, मतलब ये वाली सीरीज़ मतलब सोलो हो गई, उसको भी ख़त्म भी करना है जल्दी से, तो वो मैं करूँ सब कुछ करूँ, तो वो मैं जल्दी से सब कुछ कर लूँगा। लेकिन आप तब तक क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।